लास्ट जो मेरा वीडियो था वो डर्मा स्टैम्प के 1.5 mm एप्लीकेशन को लेकर था, जो कि मैंने अपने फेस के ऊपर किया था। अगर अभी तक आपने वॉश नहीं किया है, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आप इसका बिफोर आफ्टर रिजल्ट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो इससे पहले जरूरी आपका एप्लीकेशन देखना, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या परचेस करना चाहते हैं या इसको यूज करना चाहते हैं। क्योंकि सेकंड पार्ट में एप्लीकेशन तो नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं अपने चेहरे की गड्ढों को भरने के लिए, एक ईजी एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को डर्मा स्टैम्प का एप्लीकेशन बहुत पसंद आएगा। तो उसको वॉच करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहां पर फर्स्ट तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, फर्स्ट पार्ट का आप लोग वो वॉच कर सकते हैं, वो वॉच करने के बाद आप सेकंड पार्ट वॉच कर सकते हैं, सेकंड पार्ट वॉच करके आप फर्स्ट पार्ट वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डर्मा स्टैम्प की, कि किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, इसका बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स क्या है, आप लोगों को परचेस करना चाहिए, नहीं परचेस करना चाहिए, जिन लोगों ने कमेंट्स में कुछ सवाल किए थे मुझसे इससे रिलेटेड, वो आपको यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, जिन लोगों का था कि सीरियसली गड्ढे भरते हैं इससे, तो मैं आपको वो चीज बताऊंगी इससे गड्ढे भरते भी हैं कि नहीं भरते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों को लगता है वीडियो यूजफुल था, आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मेरा फिफ्थ डे है डर्मा स्टैम्प के एप्लीकेशन को किए हुए। स्किन में भी कोई रेडनेस नहीं है, उसका रीजन ये है कि वो तो मुझे डर्मा पेन के बाद भी फिफ्थ डे नहीं होती है, थोड़ा सा पीलिंग वगैरह थोड़ा फास्ट या ज्यादा होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि मैं डर्मा पेन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हूँ। डर्मा स्टैम्प मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लाइट करने की कोशिश की, लेकिन सीरियसली उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी एप्लीकेशन था। तो आज हो चुका है मेरा फिफ्थ डे। आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आप लोग जब भी मैं कोई माइक्रो नीडलिंग करती हूँ तो उसका लिंक मुझसे जानना चाहते हैं। ये मैंने परचेस किया है बाय प्रॉफिट साइट से, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वहां पर आपको 0.20, 0.25, 0.75, 0.5, 0.1 mm, 1.5, 2 mm, सारे mm अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोगों का फर्स्ट टाइम है तो प्लीज लास्ट 1.5 mm तक जाएं, उससे ऊपर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आप लोग कोई और स्ट्रॉन्ग mm ट्राई करें, क्योंकि फिर उसकी नीडल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बहुत ज्यादा होती जाती है। जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या हम लोग इसके निडल्स को कोई चेंज वाला सीन रहेगा, ये डर्मा रोलर की तरह ये भी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगी। फर्स्ट तो ये डर्मा रोलर जल्दी ख़राब नहीं होता है, आप जितने mm का ले रहे हैं डिपेंड करता है कि हम कितनी सेटिंग उसकी ले चुके हैं। अगर हम कंटिन्यू जल्दी 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 सेटिंग्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि 0.5 mm की वीकली सेटिंग्स होती हैं, उसी तरीके से 1.5 mm की 15 डेज होती है, तो 1.5 mm 0.5 mm के कंपैरिजन में ज़्यादा चलेगा, तो सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर डर्मा स्टैम्प का एक और प्लस पॉइंट है, उसकी जो निडल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, तो डर्मा रोलर के कंपैरिजन में आप उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। यहाँ तक कि आप डर्मा ये जो पेन होता है इसके कंपैरिजन में उसको ज़्यादा चला सकते हैं, सिर्फ इसके निडल्स को देखते हुए, क्योंकि निडल्स अगर शार्प है तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाली, लेकिन अगर निडल्स में थोड़ा सा सीन है तो फिर वो प्रॉब्लम हमको हो सकता है। बाकी यहाँ माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट सारे ही बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने तो सारे ही लिए हैं, मैं ये नहीं बोलूँ कि पर्टिकुलर कोई एक बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम अपने लिए कुछ चूज़ कर रहे हो, तो आप डर्मा स्टैम्प जा सकते हो, क्योंकि उसका एप्लीकेशन ईजी है। जब मैंने डर्मा रोलर किया तो मैंने उसको तीन एप्लीकेशन, मतलब तीन डायरेक्शंस में किया। जब मैंने डर्मा पेन यूज़ किया तो आप लोगों ने देखा मैंने उसको स्प्रेड करके किया, लेकिन आपको तो स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, स्क्रैचेस आ रहे थे। डर्मा स्टैम्प में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डायरेक्ट आप लोगों को इस तरीके से टैप 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 करके अपनी स्किन को पंचर करना। तो ये हुआ इसका इजी एप्लीकेशन। जिन लोगों को एप्लीकेशन वॉच करना, तो मैंने कहा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। तो अब बात करते हैं हम लोग, मैंने क्या फील किया अपनी स्किन के अंदर। तो आप लोगों ने यहाँ पर वॉच करोगे तो आप लोग देखोगे कि जब मैं डर्मा रोलर करती हूँ या मैं डर्मा पेन करती हूँ, फर्स्ट डे मेरी स्किन में रेडनेस बनता है, सेकंड डे वो रेडनेस रहता है, प्लस विद स्वेलिंग थोड़ा सा स्किन प्लम्प करके रहता है, क्योंकि निडल्स स्किन में जब एक निडल लगती है तो उस जगह का थोड़ा प्लम्प हो जाता है, तो इतनी सारी निडल्स स्किन के अंदर जाती है ना, तो मेरी स्किन इस तरीके से उभर के निकल के आती है। उसके बाद होता क्या है, थर्ड डे की बात करें अगर हम लोग, तो स्किन पूरी तरीके से डार्क हो जाती है, मतलब जो स्क्रैचेस आए होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, तो थर्ड डे नाइट में बहुत बार रिमूव होने शुरू हो जाते हैं पील होकर, या बहुत कंडीशंस में ऐसा होता है जब आप बहुत लाइट करते हो तो वो पील ऑफ उस तरीके से नहीं हो पाता है। पील ऑफ जब हम लोग वॉश करते हैं ना, तो आप लोग देखोगे स्किन में दरदरापन फील होता है, तो जब हम स्किन को यूँ रगड़ते हैं तो वो जो ड्राइनेस है ना वो रिमूव हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे अगर स्किन ड्राइनेस जिनको आप डेड सेल्स कहते हो, अगर उस तरीके से रिमूव हो रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स तब भी मिलेंगे, है ना। आपका है एप्लीकेशन अच्छे से होना चाहिए, अगर आपका एप्लीकेशन अच्छे से हो रहा है
तो सब कुछ अच्छा है। अब मैं अगर इसके बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स की बात करूँ तो देखो ये मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत क्यों पसंद आया, फर्स्ट तो माइक्रो नीडलिंग मेरा है ही फेवरेट, चाहे मैं इसका कोई भी टूल्स ट्राई करूँ माइक्रो नीडलिंग में मैं सारी चीज़ें ट्राई करना चाहती थी, डर्मा रोलर में ट्राई करना चाहती थी, मैंने करा। थोड़ा सा मेरे को हेडअप था डर्मा पेन को लेकर, वो भी मैंने ट्राई करा, वो भी अब भी उससे भी लेकर मेरा डर क्लियर हो चुका है। फाइनल बचा था डर्मा स्टैम्प, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत इसकी तारीफ की थी कि आपने अपने लिए कभी डर्मा स्टैम्प क्यों ट्राई नहीं किया। अब जिन लोगों का है क्या हम डर्मा स्टैम्प ट्राई कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें अपना टूल्स चेंज करना चाहिए? नहीं, आप जो भी टूल्स अपने लिए चूज कर रहे हैं पर एक टूल्स पे रहो, क्योंकि आप कुछ भी यूज करो आपको रिजल्ट्स देखने के लिए एटलीस्ट 3 to 6 months वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो एक दिन में रिजल्ट निकल के आ जाएगा, चाहे हम कुछ भी यूज करें, डिपेंड करती है कि नीडल्स हम कितने एमएम की नीडल्स ले रहे हैं जो कि हमारी स्किन पे काम करने वाली है। जैसे कि 0.5 mm रिजल्ट ना भी देता हो या बहुत लॉन्ग टाइम में कुछ रिजल्ट्स देता हो, तो उसी कंपैरिजन में 1.5 mm वैसे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 to 6 months का अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं। तो डर्मा स्टैम्प को क्लीनिंग किस चीज़ से करना, आप इसको रबिन एल्कोहल से क्लीन कर सकते हो, डिटॉल से क्लीन कर सकते हो। याद रखना है जब आप लोगों को यूज़ करना है उससे पहले भी आप लोगों को क्लीन करके यूज़ करना है, ड्राई करके यूज़ करना है, यूज कर लिया है उसके बाद भी इसको क्लीन करके और ड्राई कर ही रखना है। अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स की बात करें तो ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन दोनों के कंपैरिजन में बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कोई किसी एक को अच्छा किसी एक को बुरा नहीं बताना, क्योंकि मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं। लेकिन अगर मैं डर्मा स्टैम्प की बात करूँ तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है ना अभी, और जैसे कि आप लोग अपने लिए कोई चूज़ करना चाहते हो और आपको डायरेक्शन में इश्यू है, डर्मा रोलर को चलाने में प्रॉब्लम है, हम लोग ठीक से प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं या हमारा प्रेशर इक्वली नहीं है, या जिन लोगों को डर्मा पेन को लेकर कन्फ्यूज़न है कि स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, निडल्स ठीक से सेट नहीं हो पा रहा, हमें स्क्रैच आ गया, वो ज़्यादा चल गया, निडल्स ज़्यादा, तो वो वाले इश्यू, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के, ये सॉल्व कर सकता है आपका एक डर्मा स्टैम्प, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। हम लोग भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कुछ ईजी आए आने वाले टाइम में। अगर माइक्रो नीडलिंग से रिलेटेड और भी कुछ एडवांस आता है, कुछ ईजी आता है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। अभी तक मैं माइक्रो नीडलिंग जैसे कि कर ही रही हूँ कंटिन्यू, अभी 1 month में कर रही हूँ, कभी 2 months में कर रही हूँ, कभी 15 days में कर रही हूँ, उस तरीके से कर रही हूँ। तो ये एक तरीके से सेफ है आप लोग के लिए, घर में गड्ढे भरने के लिए कोई थेरेपी सेफ है, तो मेरा ऐसा कहना है कि माइक्रो नीडलिंग ही सेफ है। बिफोर आफ्टर का यही है मेरा कि हाँ ये बेस्ट है। आप लोग मेरी बात पे ना ट्रस्ट करके खुद ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर एक एप्लीकेशन आप लोग लोगे ना तो आपको पता चलेगा, यूट्यूबर हूँ तो आप लोग के दिमाग में डाउट रहता होगा कि यार इनको तो सारी चीज़ें बेस्ट लगती है, अगर मुझे सारी चीज़ें बेस्ट लगती है तो फिर मैं सारी चीज़ों पे वीडियोस क्यों नहीं बनाती, मैं पर्टिकुलर कुछ मुद्दों पे ही वीडियोस क्यों बनाती हूँ। यहाँ तक कि मैं ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ों को ही कहती हूँ कि रातों रात कुछ करिश्मा करके जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हीं चीज़ों के लिए बोलती हूँ जिनको मुझे एक्चुअल में अंदर से लगता है कि यार ये रिजल्ट्स देगी। और आप लोग एक्ने स्कार्स वाले हैं तो मैं आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने ये एक लॉन्ग टाइम सर्वाइव किया है, कर रही हूँ, जैसा भी है मैंने एक बहुत लंबे टाइम इसको देखा। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मुझसे रिलेटेड जो भी इंसान हो या बंदा हो बंदी हो वो मेरी तरह सफ़र करे या मेरी तरह परेशान हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। बस मैं ये चाहूँगी कि हाँ जिस तरीके से मैंने अपनी स्किन को हील किया है, मैंने अपनी स्किन में रिजल्ट्स देखे हैं, तो आप लोग भी वो देखो। उम्मीद है आप लोग के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह रहा होगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप लोगों को एप्लीकेशन करना है तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर वॉच करके जाएं, एप्लीकेशन से पहले। परचेज करना है, परचेज लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वो चीज़ भी देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है NewRashi123 के नाम से, अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो जाने से पहले लाइक करके जाना। अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं अपने चैनल के ऊपर एक्ने स्कार से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट शेयर करती रहती हूँ, जो मैंने ट्रीटमेंट लिया, जो मेरा स्किन केयर है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर, पिछले इसके पार्ट को लेकर कोई भी डाउट है, पिछले किसी वीडियो को लेकर कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।